कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने महामारी की तस्वीरें देखी, लोगों के चेहरे पर डर देखा, सभी जगह तनाव अपने चरम पर था। ऐसी दुर्गम स्थितियों में कुछ संस्थाएं चट्टान की तरह कोरोना की लहर के सामने डटी रहीं और मानव जीवन को बचाने की कवायद उन्होंने जारी रखी। ऐसी ही तमाम संस्थाओं में एक नाम सर्वोपरि है, आंध्रा एसोसिएशन के हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का, जिसने खुद की परवाह ना करते हुए बिना रुके बिना डरे लगातार मरीजों की सेवा की। देखिए, कोविड ये जो हमारा सेकेंड वेव कोविड आ गया है, इसमें हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो खूब सारा हमारे बढ़ गए थे। वी गॉट लॉट ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ जो सराउंडिंग हमारी लोधी रोड की जितने भी लोकल डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने सब अपने क्लिनिक्स, अपने छोटे मोटे सेंटर क्लोज किए थे सो दैट कि वो लोग बच जाए। लेकिन उस टाइम में, उस पेंडेमिक में हमारा इतना प्रेशर आ गया है एंड वी वेर हैविंग 100-150 पेशेंट्स एट अ टाइम। उस टाइम में, उस कंडीशन में हमने अपना जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट हमने दे दिया। हमने पेशेंट्स को डायग्नोस करके, हमने पेशेंट्स को जो नॉर्मल पेशेंट्स भी थे, कोरोना वाले पेशेंट्स भी थे, उनको हमने सीवियरिटी निकाल के अकॉर्डिंगली उनको हमने हॉस्पिटल्स, होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन, या हमने उनको रेफ़र किया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एट दैट टाइम, जब स्टार्टिंग हुआ हमारा ये सेकेंड वेव में। टचवुड बहुत अच्छा रहा हमारा ये वन मंथ, हमारे पेशेंट्स सारे रिकवर किए हैं, चाहे सीवियर केसेस थे चाहे मॉडरेट केसेस थे, एवरी वन इज़ ओके नाउ, सब बिल्कुल बढ़िया रहा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो यहाँ पे हमको बूस्टअप जिसने जो बोले, तो ऑलरेडी हम भी थोड़ा सा हो गए थे यार, लॉट ऑफ पेशेंट्स आर हियर, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी के हमारे प्रेसिडेंट ने हमको एवरी डे आके हमको बूस्टअप करते थे, एवरी डे आके हमको हमारा मनोबल बढ़ाते थे कि बाबा आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू पीपल, आप बढ़ो, डरो मत, आप बस बढ़ते ही जाओ, अब बढ़ते ही रहो। और उनकी सेवा का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि जो रेगुलर पेशेंट उनके पास थे, उनके अलावा कोरोना की तेज लहर के दौरान करीब 10,000 नए पेशेंट उनके यहाँ रजिस्टर हुए। ये हॉस्पिटल जैसा सब लोग जानते हैं, 10 सालों से काम कर रहा है और कुछ सुपर स्पेशलिटी और जनरल क्लिनिक्स के लिए काम करता है, लेकिन पिछले 2 सालों में इस क्लिनिक ने बहुत सारा एक स्पेशलाइज फील्ड में, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते थे, कोरोना में भी हमने बहुत सारा काम किया और समय ऐसा था, डिमांड ऐसी हो गई थी, सारे क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स बंद थे, सारे बड़े हॉस्पिटल्स जो आसपास हैं वो कोविड कन्वर्जन हो गए थे, तो ऐसे में एक जनरल इन्फेक्शन के साथ कोई पेशेंट अगर जनरल सिम्टम्स के साथ अपीयर होता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय में आंध्रा एसोसिएशन का ये हेल्थ केयर सेंटर उनके लिए बहुत लाभदायी हुआ, पेशेंट्स यहाँ आए, अपना उनका डायग्नोसिस हुआ और उनका ट्रीटमेंट सही समय पर हो सका। अगर हम समय पर डायग्नोज नहीं कर पाते पेशेंट्स को, डायग्नोज करके उनको ये नहीं बताते कि उनको कोरोना है, उन्हें विश्वास में रख के उनका इलाज समय पर शुरू करके, उनको आइसोलेट करके, उनकी फैमिली में ज़्यादा ना फैले, उनको बचा के होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन करके, उनका ट्रीटमेंट करके और सही समय पर उनको जब किसी को ज़रूरत हुई हॉस्पिटलाइजेशन की तो गाइड करके उनको हॉस्पिटल्स भेजने का काम हमने किया और आज हम अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं। मेरा नाम जय गुरुमूर्ति है। जो आंध्र एसोसिएशन जो हॉस्पिटल है ना, स्पेशलाइज क्या है हमारे लिए, जो तेलुगु कम्युनिटी के लिए, ये 2 टाइम्स जो कोविड हुआ, फर्स्ट टाइम भी सेकेंड टाइम भी,
बहुत अच्छा काम किया। मतलब एक तरफ से तेलुगु कम्युनिटी के एक तो हिंदी प्रॉब्लम्स होते हैं, अदरवाइज हॉस्पिटल में जहाँ स्पेसेस नहीं मिलता, कोई डॉक्टर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हमारे कम्युनिटी के लिए गॉड गिफ्ट। मतलब टोटल साउथ दिल्ली में ऑलमोस्ट छोटा मोटा हॉस्पिटल सारे बंद थे, बट हमारा हॉस्पिटल जो चल रहा था टू टाइम्स, फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी, तो इससे अच्छा सर्विस मेरे ख्याल से कोई दिल्ली में किसी स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन दे नहीं सकता। जो आंध्रा एसोसिएशन दिया, आंध्रा एसोसिएशन जो सर्विस दे रहा है, मेरे ख्याल से ऑल ओवर दिल्ली में कोई दूसरा कम्युनिटी नहीं दे सकता। साथ ही घर पर आइसोलेट होने वाले सैकड़ों मरीजों के लिए हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर लगातार टीम वर्क करते हुए वीडियो कॉल के जरिए उन्हें इलाज और सुझाव देते रहे, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बची। इस हॉस्पिटल इतनी फायदा हुआ था सच्ची में, मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मेरे हस्बैंड को अभी कोविड पॉजिटिव हो गई थी उस टाइम में, तो हम लोग कहाँ जाना है, कोई हॉस्पिटल्स की बेड अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं। उसी टाइम मैंने इधर डॉक्टर्स को फ़ोन किया था, उन लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप कॉल में ही सारी मेडिसिन वगैरह बताते थे घर में करते। एक दिन बहुत ज़्यादा सीरियस था, बेटी को 73 ऑक्सीजन आ गई थी रात की टाइम, उसके ब्लड की वॉमिटिंग्स भी हो रही थी, वो क्या करें। उसी टाइम रात को हमारा प्रेसिडेंट सर ने डॉक्टर उनको एक मेडिकल वाला को लेके मेरे घर आके पीपी किट डाल के मेरे घर आके बेटे को उसी टाइम ऑक्सीजन की वो सिलेंडर मंगवा के ऑक्सीजन लगा के, फिर डॉक्टर्स भी व्हाट्सअप में उनके मेडिसिन सारी बताते, वो इंजेक्शंस वगैरह देके उसी टाइम उसको हालत इतनी सुधारा, रात उसके पास रहे, उसको ठीक होने के बाद सब लोग घर गया था। इतनी ये हॉस्पिटल की, आंध्रा एसोसिएशन की हॉस्पिटल की वजह से हम लोगों ने, ये पूरा दिल्ली में कितनी लोगों को फ़ायदा हो रहा है सच्ची में। इस टाइम में भगवान ने बनाया समझ लो ये हॉस्पिटल, भगवान ने एक जैसा रूप से कोई कहीं से नहीं आता, यही डॉक्टर्स की वजह से और ये स्टाफ की वजह से, ये सब लोगों की वजह से, हमारा प्रेसिडेंट सर, सेक्रेटरी सर, सब लोग ने इतनी मेहनत कर रहे हैं ये हॉस्पिटल और ज़्यादा बड़ा हो और ज़्यादा लोगों को सेवा कर सके। इतनी सेवा कहीं मैंने देखे हो, बहुत लोग हैं दिल्ली में है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये भगवान के रूप से ये लोग कर रहे हैं। आज मेरी बेटी बच्चे हो जाए तो उन लोगों की वजह से, मेरी जैसे बहुत लोगों का, माँ बाप को और सबको, सभी ने, सभी की तरफ से मैंने धन्यवाद कहते हैं पूरा दिल्ली की तरफ से सच में। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस व्हेन वी नीडेड एंड इट वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर योर, लाइक रात को भी आप लोग आए एंड हेल्प किया एट द टाइम ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल, थैंक यू सो मच। नहीं, आप यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं तो इस हॉस्पिटल में क्या खासियत है और हॉस्पिटल के मुकाबले? एक्चुअली यहाँ पर जो लोग हैं बहुत फ्रेंडली है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जिसको भी हेल्प चाहिए यहाँ पर के लोग पहले होते हैं हेल्प करने के लिए। एंड हॉस्पिटल के बारे में बताऊँगी तो कोई भी इमरजेंसी मेरे घर पे हो तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कॉल करती हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट सर को कॉल करती हूँ, अगर उन्होंने डॉक्टर से बात करवा देते हैं आराम से, मतलब जो भी प्रॉब्लम है यहीं पर आते हैं हम लोग। दूसरे हॉस्पिटल से ज़्यादा यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी छोटे से छोटे एक वन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह करते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स, बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। मेरा नाम लालित्या, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, मैं आउट ऑफ रहती हूँ, मतलब यहाँ पे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको कोविड हुआ था, तो जब भी आते हैं मतलब बहुत अच्छी तरह, मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर, मतलब ज़्यादा गवाते नहीं हैं। और हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल में क्या अंतर लगता है? अंतर यही है, फ्रेंडली ज़्यादा है, एक तो फ्रेंडली ज़्यादा है, बहुत फैमिली फीलिंग पहली आ जाती है, एंड जहाँ पर भी जाते हैं थोड़ा अच्छा, मतलब हैंडलिंग अच्छा है बाहर के हॉस्पिटल से, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनापन सा लगता है, दैट्स इट, इन शॉर्ट यही बोल सकती हूँ मैं। जब ज्यादातर अस्पताल कोविड सेंटर में तब्दील हो चुके थे तो ऐसे में हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ज्यादातर लोगों के लिए उम्मीद की पहली किरण बन चुका था। हम आपको बता दें कि यहाँ नाम मात्र शुल्क चैरिटी सिस्टम है, पैसा कमाना नहीं बल्कि सेवा करना मकसद है, यही वजह है कि डायरेक्टर मनी नायडू खुद सेवा के दौरान कोरोना प्रभावित होकर गंभीर रूप से
बीमार हो गए थे, लेकिन कोरोना भी उनके जज्बे और हौसले को हिला ना सका। रिकवर होने के बाद दुगनी शक्ति और जज्बे के साथ डायरेक्टर मनी नायडू सेवा में जुटे रहे, साथ ही अपने स्टाफ का हौसला भी बढ़ाते रहे। इनकी आधुनिक सुविधाएं, नई तकनीक की मशीन, स्टाफ का समर्पण भाव और संस्था की सेवा नीति, इन तमाम बातों से उन लोगों को एक नई जिंदगी मिली जो जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुके थे। और जब ज्यादातर अस्पताल कोविड सेंटर में थे तो ऐसे में ओपीडी का होना जरूरी था, और इस जरूरत को लगातार पूरा किया है हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने, जिन्होंने अपनी सेवाओं के जरिए उन लोगों का इलाज जारी रखा जो इलाज के लिए भटक रहे थे। आंध्रा हेल्थ केयर जो है लास्ट कोविड लास्ट ईयर से भी लेके कभी एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सराउंडिंग हॉस्पिटल्स में वो भी कम्प्लीटली बंद था, बट यहाँ पे सराउंडिंग्स में सारा पेशेंट्स के लिए वो भी फैसिलिटी सुविधा था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया हुआ है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कई लोग का मुंह से भी सुना हमने, हमें भगवान जैसा मंदिर जैसा ये हॉस्पिटल हमें बचाया। आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष आर मनी नायडू का व्यक्तिगत जीवन भी सेवा भाव वाला रहा है। सेवा के क्षेत्र में इन्होंने जरूरतमंदों को राशन वितरण करना, महामारी के दौरान जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना, यहाँ तक कि जो लोग दाह संस्कार करने में असमर्थ थे ऐसे मामलों में खुद प्रेसिडेंट आर मनी नायडू स्वयं जाकर दाह संस्कार तक करते हैं। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जब मृतक व्यक्ति के साथ परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं होता, ऐसी हालातों में स्वयं अपने हाथों से प्रेसिडेंट आर मनी नायडू दाह संस्कार तक करते हैं। असमर्थ और असहाय लोगों की मदद करने वाले आर मनी नायडू का मानना है कि पहले हम सोसाइटी से लेते हैं और सही वक्त आने पर हमें सोसाइटी को वापस वो सब लौटाना चाहिए जिसकी सोसाइटी को जरूरत हो, और सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम अवश्य करना चाहिए जिससे लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद रखें, क्योंकि मानवीय कामों की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। I have always found Mr. Mani Nayar to be extremely helpful. Just a few weeks ago, during the second phase of COVID, when many of our neighbors were having a very tough time regarding getting oxygen availability or even some of the critical medicines. I can give a live example that almost at 11 o'clock in the night, we were going out searching for oxygen, and we knew that we will not be able to find it out because it is not available off the shelf. And it was our great luck that we met Mr. Naidu on the way, and he said, "There's no need to worry, dear. I'm there for you." And he just vanished in his car. And after about one and a half hours, he was ready with oxygen cylinders. I don't know how many lives he has saved by helping people whom he doesn't even know. So that's the greatest part of his character. He always does things in a very selfless manner, which is really creditable. I'm a teacher in a school. I'm PGT English. Today, talking about Mr. Mani Naidu, who I usually call him Bhaiya. It's not from now on. It's like since years. He has been a true bhaiya, I should say, especially in this time of pandemic. My family was affected. We all were COVID positive. My son, my husband, my father stays with me, old father. He's 84 years old, and the only thing was that we all were COVID positive and my father was safe.
the call that I could make was only to Mani Bhaiya. I called him and I told him what to do. My father is here. And you won't imagine, people run away when they come to know if someone is positive, COVID positive. He was the one, he immediately came to my house with medicines for my father, for all of us who were infected. No one does this. He is a social influencer. मैं पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर सेवा में कार्यरत हूँ और हमारे साथ कुछ लोग हमारी संस्था के सभी लोग इस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस संस्था के साथ जो मेरे साथ सहयोग करते हैं. इनमें हमारे मनी नायडू जी हैं जो इस संस्था को मतलब जैसे सपोर्ट करते हैं और पिछले 12 सालों से ये जो लावारिस बॉडी जो आती है यहाँ पर जो सक्षम नहीं है उन लोगों के संस्कार के लिए मतलब वो सहयोग करते हैं और खुद आ करके अपना सहयोग दे करके और उनको संस्कार करा करके जुड़े हुए हैं यहाँ पर. और अभी जैसे ये महामारी का टाइम आया है इसमें भी काफ़ी लोगों की समस्या मतलब जैसे आई कि उनके पास फंड्स नहीं हैं, लावारिस हैं. अपने अजीज दोस्त आर मनी नायडू जी के लिए चंद शब्द कहना चाहता हूँ. ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे ब्लॉक में और ख़ास करके किसी भी पार्टी से मतलब बिलोंग करता हो सबका साथ देते हैं. और अभी पीछे जो है माय फादर इज़ रात को 12 बजे उनका जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे हो चला गया, तो मैंने इमीडिएट इनको फ़ोन किया. इन्होंने उसी टाइम मेरे को मिनी सिलेंडर विद मेडिसिन और तो और अपने जो इनका डॉक्टर फैमिली डॉक्टर थे उनके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कराई और मेरी पूरी हेल्प करी. और तो और पूरे ब्लॉक में 15-20 केस ऐसे थे जिनका ऑक्सीजन की जरूरत थी, इन्होंने जैसे मर्जी करके कहीं से भी सिलेंडर का इंतजाम किया, उनको सिलेंडर दिया, उनकी हेल्प करी मेडिसिन के लिए भी. और जो किसी को अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ी किसी मेडिकल पहुँचाने की हॉस्पिटल वगैरह तो एम्बुलेंस वगैरह का भी इंतजाम किया. सो नाइस ऑफ पर्सन. इन्होंने जितनी भी मैंने पिछले 20 साल से RW में किसी न किसी पद पर रहा हूँ, लास्ट में पिछले साल RW से प्रेसिडेंट रिटायर हो गया, मतलब आगे फैमिली वर्क. इन्होंने पूरे ब्लॉक के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और मैं इनको पिछले 2006 से जब से मेरे श्री आर्मिनी नायडू जी जो कि सोशल सामाजिक कार्यों से सदैव हमेशा जुड़े रहते हैं, अप्रैल के मंथ में मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सभी पॉजिटिव हो गए थे. और वो दौर एक ऐसा दौर था जिसमें बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा भय लोगों के बीच में बना हुआ था. ऐसे में मैंने बड़ा मायूस होकर जब चारों तरफ से मेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने श्री आर्मिनी नायडू जी से फ़ोन पर बात करी. तुरंत वो 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे घर पर आ गए और ये जानते हुए कि मैं और मेरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी वो खुद मेरे घर में, खुद मेरे मकान के अंदर, मेरे मकान के अंदर बैठे और आके मुझसे बात करी. ऐसे दौर में श्री आर्मिनी नायडू जी ने मेरे घर में आके मुझे बड़ा हौसला दिया, बड़ी हिम्मत दी. और मैं ये चाहता हूँ ऐसे दौर में ऐसा व्यक्ति समाज में जो आगे चल के आगे बढ़ के काम करता है, बहुत कम मिसाल मैंने अपने जीवन में, मेरी 50 ईयर की उम्र हो गई है, मैंने आज तक ऐसे ना तो ऐसा दौर देखा और ना ही ऐसा इंसान देखा जो रात को 12 बजे फ़ोन करने के बावजूद भी अपने घर से रात को 12 बजे उठ के वो मेरे घर आए, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को. जब भी कोई डर शंका होती थी हम फौरन उनको फ़ोन करते थे और फौरन उसी टाइम वो मेरे घर में. इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर मनी नायडू जो कि प्रेसिडेंट हैं उनके ठीक दफ्तर के बाहर और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे उनसे बात करके कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो शानदार काम उन्होंने और उनकी टीम ने कर दिखाया है आखिर वो कैसे संभव हुआ. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट आर मनी नायडू. सर, पहली कोरोना की जो लहर थी उसमें भी हमने इस सेंटर का दौरा किया था
तब भी अतुलनीय काम था। दूसरी लहर आई तब आपने और भी ज़्यादा बढ़कर, क्योंकि दूसरी लहर ज़्यादा महामारी वाली थी, ऑक्सीजन की कमी थी, डेथ ऑफ नंबर ज़्यादा थे, ऐसे मुश्किल भरे समय में भी लगातार आप अपना बेस्ट देते रहे। साथ ही जब हमने आपके इलाके में बात की लोगों से तो वहाँ पता लगा कि आप सोशल कॉज जो है लोगों से जुड़े रहे, सोशल सर्विस देते रहे लोगों को अपनी तरफ से, यहाँ सेंटर और प्लस अपने निवास स्थान के पास में सामाजिक स्थान पर, दोनों जगह बैलेंस कैसे बना पाया और इतना शानदार काम कैसे हो पाया? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कहता हूँ। और कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा। आंध्रा एसोसिएशन 1935 में बनाई हुई संस्था है और ये स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू की संस्था है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आंध्रा एसोसिएशन दिल्ली के अंदर जितना एक्टिव आंध्रा एसोसिएशन ने काम किया है, ऐसे मुझको नहीं लगता किसी और एसोसिएशन ने, क्योंकि कई लोग आए, कई ऐसे एसोसिएशन के लोग आए, बोलते यार आप लोग जो काम कर रहे हैं हमको बताइए, हमारे तो नहीं हो पा रहा है। तो आंध्रा एसोसिएशन के तहत हमने इस जो भी पहला वेव रहा हो या दूसरा वेव रहा हो, करीब करीब हमने आइडेंटिफाई किया, करीब 3,000 हमारे ऐसे परिवार थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको किसी की नौकरी जा चुकी थी, किसी को कोई और आमदनी का कोई जरिया नहीं था, तो हमने उनको राशन बांटने का काम किया। हमने किट बना के हमने उनको बकायदा, उनके ये नहीं कि आप आके ले जाइए, उनके घरों तक हमने, हर मेरे जो ब्रांच है उस ब्रांच के तहत हमने उनके घर तक ये पहुँचाने का काम किया। तो अगर हमारा हॉस्पिटल के कारण, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे पूरे मेडिकल टीम को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने पूरी मतलब हिम्मत जुटाई और उन्होंने कहा भाई कितनी भी परेशानी हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम हॉस्पिटल चलाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई भी परेशानी हो, क्योंकि मैं खुद रोज आऊँगा, तो क्या होता है कि भाई काम तो कर ही रहे थे बट उनको एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ हमारे साथ कोई है। तो आंध्रा एसोसिएशन ने पूरे दिल्ली में जो हमारे समाज के लोग हैं उनको ये बताया कि भाई हम हैं। महामारी के दौरान में जितनी भी डेथ्स हुई तो उनके क्रिमेशन के लिए भी मौद्रिक जो यहाँ से जो जाता है वो हमने तुरंत उनको पहुँचाया। और उसके अलावा हमने जो भी ट्रीटमेंट का है, जैसे ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल का मैं कहूँगा कि आसपास के सारे बड़े हॉस्पिटल्स बंद हो चुके थे या तो कोविड सेंटर में तब्दील हो चुके थे। तो अब जब अगर हमारा ये भी हो जाता, तो मैं अभी पीछे डॉक्टर से एक दिन बैठ के बात कर रहा था तो पता चला कि करीब करीब 10,000 न्यू रजिस्ट्रेशंस इस पूरे एक सवा साल में, नए रजिस्ट्रेशंस मतलब ये वो पेशेंट्स हैं जो पहले कभी नहीं आए। तो रेगुलर पेशेंट्स तो आते रहे बट एक नए पेशेंट्स जो हैं ये लोग आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनको विश्वास रहा कि भाई कोई तो है यहाँ पे जो इस चीज़ को करता रहा है। और इसके अलावा भी जो कोविड के दौरान नहीं, वैसे भी आंध्रा एसोसिएशन जो है स्कॉलरशिप जो है, जो बच्चे मेरिट के बच्चे हैं या पुअर बच्चे हैं, तो हम पूरे अपने समाज के अंदर स्कॉलरशिप देते हैं। करीब हम लोग करीब करीब 30 लाख रुपए का हर सालाना हम लोग स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाता है। और उसी तरीके से मेडिकल एड दिया जाता है। और जो नॉर्मल टाइम पे जैसे जो विवाह होती हैं लड़कियों की, विवाह के लिए भी यहाँ से हम लोग एड दिया देते हैं। तो ऐसे कई है। और हमारे यहाँ जो जो भी फंक्शंस हैं तो उसको हम लोग कोई यहाँ जाति धर्म के हिसाब से नहीं, हम लोग सब एक हैं जो भी। और हर एक यहाँ पे आज, हालांकि आंध्रा तेलंगाना अब दो स्टेट हो गए हैं बट जब ये संस्था बनी थी तो तब कोई आंध्रा तेलंगाना अलग नहीं था। बट जहाँ तक कि ये आंध्रा एसोसिएशन का बात है, हम आज भी आंध्रा हो या तेलंगाना हो हमारे लिए सेम है, हम उसको एक ही मानते हैं। जो भी हमारे तेलुगु भाषी लोग हैं उनके लिए हम लोगों का बिल्कुल तत्पर हैं हम लोग कि भाई उनकी हर इसमें हम लोग उस सहयोग करें। तो और रही बात अब आप इलाके की, इलाके में क्या है,
कई सालों से, करीब 15-20 सालों से मैं सोशल सामाजिक तरीके से जुड़ा हुआ हूं और करता भी हूं पंचतत्वम के। इससे हमारे यहां कोई भी हमारे यहां जो है नांगल राया में एक शमशान है जहां पे उसके पीछे ही काफ़ी क्लस्टर्स एरिया है, क्लस्टर एरिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वहां पे उनको उनकी स्थिति ऐसे नहीं होती कि भाई वो उसको अंतिम क्रिया कर सके या क्रिमेशन के या लकड़ी का पैसा दे सके। तो वो मैं पिछले 10-12 साल से खुद ही जाता हूँ, कोशिश करता हूँ और खड़े होके मैं करवा के आता हूँ। जो पैसे से सक्षम हैं बट वो भी बेचारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मजबूर हो गए थे क्योंकि वो खुद कोविड में थे और उनके परिवार कोविड में था, तो उनके अगर कोई घर का परिजन किसी की मृत्यु हो गई तो उनका अंतिम संस्कार, तो ऐसे भी अंतिम संस्कार हमने इस महामारी के दौरान मैंने जाके खुद अपने इसमें किया है। आपने कहा कि इधर भी और उधर भी, तो बात आंध्रा एसोसिएशन की, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूं कि ऐसे एक महान संस्था का मैं अध्यक्ष हूं इस वक्त। और मैं फिर कहूंगा आपसे कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं तो अपना जो प्रेसिडेंट होने का कर्तव्य निभा रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी थी जो मैंने किया। और रही इलाके में, हाँ इस बारी मेरे को एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं कई सालों से 20-25 सालों से सोशल सर्विस में रहा हूँ और लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ, हर सुख दुख में खड़ा रहा हूँ, बट पहली बारी मुझे बहुत दुख हुआ कि लोग हमारे को हमको फ़ोन आता था कि भाई साहब स्कूल में एडमिशन के लिए कर दो या आधार कार्ड के लिए कर दो या वोटर कार्ड में ये मदद करवा दीजिए या कुछ भी हो जो छोटे मोटे काम है, या बोल दीजिए आपकी बात मान लेंगे, तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं। बट मुझे बड़ा दुख हुआ कि पहली बारी इतने सालों में, मेरी 52 साल की उम्र हो गई है, 52 साल की उम्र में किसी ने मुझको ये नहीं फ़ोन किया कि भाई साहब डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, 10 घंटे हो गए, शमशान में जगह नहीं मिल रही। तो ये बड़ा दुख का बात रहा कि क्या हम लोग मतलब ऐसी महामारी में इस बारी ऐसे फ़ोन आए कि भाई साहब ये शमशान में जो है क्यों चल रहा है, आप प्लीज़ देखिए कैसे करें क्या। तो इस बात का बड़ा दुख है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ऐसी महामारी जो है हमारे देश में फिर कभी भी ना आए और जो भी दुख लोगों ने सहा है वो कभी दोबारा ऐसी कोई नौबत ही ना आए और पूरी जो है हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग अपना खुशहाल रहें और सुखी रहें। आंध्रा एसोसिएशन ने लगातार कोविड के पहले और दूसरे चरण में जो मानवीय काम किए उनकी मिसाल अपने आप में दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। साथ ही यहाँ के प्रेसिडेंट आर मणि नायडू ने मेडिकल धर्म के साथ साथ इंसानियत का धर्म भी बखूबी निभाया, लगातार ज़रूरतमंदों को राशन देकर और जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन लोगों को ऑक्सीजन देकर, साथ ही जिनके घर में कोई दाह संस्कार करने के लिए नहीं था या जो लोग सक्षम नहीं थे किसी वजह से मजबूर थे कि दाह संस्कार नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर आर मणि नायडू लोगों के बीच मौजूद रहे। साथ ही जो उनकी पूरी टीम है उसने लगातार बेहतर काम किया और अपने आप में एक रिकॉर्ड आंकड़े को छुआ जहां पर करीब 10,000 से भी ज़्यादा नए पेशेंट इनकी सेवाएं लेने के लिए पहुंचे। ये अपने आप में बताता है कि नर सेवा और नारायण सेवा की यदि कोई मिसाल है तो वो आंध्रा एसोसिएशन है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।